अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी व्हीकल से एक न्यू टोयोटा करोला गाड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो गाड़ी आप देख सकते हैं टोयोटा करोला A92 यानी कि 1992 मॉडल की टोयोटा करोला है। तो यार बहुत ही माजरत के साथ बहुत ही दुख होता है कि जब आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार मैं इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो यार किसी की दिल आज़ारी ना किया करें, बहुत ही मुश्किल से आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ। फ्रंट लुक आप गाड़ी का देख लें, माशाल्लाह फ्रंट लुक कुछ इस तरह से है गाड़ी का। बॉनट वगैरह जो है वो जेन्युइन है, फॉर फ्रेश लुक। गाड़ी को बाहर से आउटर शावर किया गया है फ्रेश लुक के लिए, आप देख सकते हैं फ्रेश लुक के लिए शावर किया है गाड़ी को, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ी है। फ्रंट पे ग्रिल आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से अच्छी ग्रिल गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है। बाकी आप देख सकते हैं फॉग लाइट्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। साइड्स वगैरह आप देख लें, साइड्स वगैरह भी क्लियर हैं, किसी किस्म की कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी नहीं है, कोई मतलब टूटी फूटी नहीं है या कोई चीज़ ऐसी रिटेटिंग पेंटिंग वगैरह नहीं की गई, यानी कि प्रोटीन वगैरह गाड़ी के अंदर इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ फ्रेश लुक के लिए शावर किया गया। बैक डिग्गी आप देख सकते हैं फ्रेश लुक के लिए, यानी कि खूबसूरती के लिए उसके ऊपर एक जो है मॉडिफाई किस्म की ग्रिल लगाई गई है, जो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी के अंदर। बम्पर वगैरह आप देख सकते हैं जेन्युइन किस्म का है, लाइट्स वगैरह अच्छी कंडीशन में है। एक साइड जो है वो क्या नाम है एंटीना वगैरह गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक एंटीना है। टायर्स की रिम वगैरह आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट, बहुत ही अच्छे किस्म के अलॉय रिम्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। टायर्स की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है, 10x10 है। डिग्गी वगैरह आपको अंदर से दिखा देते हैं, डिग्गी भी बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से इसको जो है कारपेट मैटिंग की गई है और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसके अंदर। इंटीरियर की अगर बात की जाए तो इंटीरियर टोटली जेन्युइन है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है, A to Z ऑटोमेटिक है, पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, माशाल्लाह से खूबसूरत किस्म की गाड़ी है। सीट्स वगैरह की कंडीशन आप देखें, बहुत ही शानदार किस्म की सीट्स हैं गाड़ी के अंदर, मैटिंग बहुत अच्छी किस्म की गई है। गाड़ी को अगर देखा हुआ है ओवर लुक वाइज देखा जाए तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो है सनरूफ जो है वो जेन्युइन सनरूफ है, यानी कि जो गाड़ी के अंदर जो है ना लंदन मॉडर्न से इम्पोर्ट की गई गाड़ी है, ये उनमें से एक गाड़ी है और उसका सनरूफ जेन्युइन सनरूफ आया हुआ है गाड़ी का, खुद नहीं बनवाया, गाड़ी के साथ अपना सनरूफ आया था। बाकी आप अगर मीटर की लुक वाइज देखें तो मीटर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत किस्म का है, अच्छी किस्म की गाड़ी है, एसी वगैरह गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। बैक सीट्स आपको चेक करा देते हैं, बैक सीट्स आप देख सकते हैं, जैसा कि फ्रंट सीट माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और अच्छी शानदार किस्म की सीट्स हैं, तो बैक भी माशाल्लाह से बहुत शानदार और अच्छी किस्म की सीट्स गाड़ी के अंदर लगी हुई है। इंजन रूम आपको चेक कराएं, इंजन रूम भी आप देख सकते हैं 16 वाल का जेन्युइन इंजन गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।